जुलाना कस्बे के रेलवे स्टेशन का डीआरएम सुखविंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान जनहित पर्यावरण सेवा समिति द्वारा बनाए गए पार्क में डीआरएम ने पौधारोपण भी किया। डीआरएम सुखविंद्र सिंह ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधारोपण करना बहुत ही जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पौधारोपण पर जोर देते हुए एक पौधा माँ के नाम अभियान शुरू किया है। पेड़ पौधों के बिना जीवन की कल्पना करना भी व्यर्थ है। जुलाना कस्बे के लोगों ने डीआरएम के सामने जुलाना के रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज, पुलिस चौकी व एक्सप्रेस रेलों के ठहराव की मांग रखी। डीआरएम सुखविंद्र ने लोगों ने जुलाना वासियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही जुलाना में रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा और जो मांग जुलाना वासियों द्वारा रखी गई है उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। क्या मांगे जी, एक तो फुट ओवर ब्रिज की कमी थी यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है जी स्टेशन की, जो दूसरी तरफ जो कॉलोनी बसी हुई है बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी जी। दूसरा, यहाँ पे जो सेकंड नंबर का प्लेटफार्म है उस पर कोई भी शौचालय नहीं है। तीसरा, हमने जो यहाँ पे फास्ट गाड़ी एक भी नहीं रुकती जी, न कोई अयोध्या की कोई भी फास्ट गाड़ी नहीं है, उसकी डिमांड रखी है जी। बहुत अच्छी तरह सांत्वना दी है साहब ने और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो डिमांड है उन पर शायद हम खरा उतरे। आज हमने जनहित पर्यावरण सेवा समिति ने, गौग्रह सेवा समिति ने, भारत विकास परिषद ने और अन्य संस्थाओं ने जो मांग पत्र सौंपा है, मांग पत्र सौंपने से पहले हमने डीआरएम सर से सबसे पहले पौधारोपण करवाया है पार्क में, क्योंकि आज पर्यावरण परम आवश्यकता है। उसके बाद और उन्होंने बड़े हंसी खुशी पौधारोपण किया और खुशी जाहिर की। और इसके बाद जो डिमांड थी हमारी रेलवे के ऊपर से पुल और रिजर्वेशन काउंटर और काफी पुलिस चौकी की स्थाई यहाँ पे स्थाई होनी चाहिए चौकी, क्योंकि यहाँ पे कई वारदातें हो जाती हैं। और इसके बाद काफ़ी मांगे थी हमारी जो उन्होंने सैर स्वीकार किए। आपके तमाम दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नरेंद्र पांचाल, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम भारतीय रेलवे के 400,000 ट्रैक मेंटेनर का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय रेलवे की तमाम जो ग्रुप डी के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए तमाम जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे मिल करके उनकी समस्याओं का निदान करवाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आज की जुलाना स्टेशन पर डीआरएम साहब का जो दौरा था उसमें बहुत सारे रेल कर्मचारियों की तमाम समस्याएं, चाहे वो सीनियोरिटी का मसला हो, चाहे उनके प्रमोशन का इशू हो या बकाया वेतन भत्तों का मामला हो, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है और डीआरएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। लेकिन जुलाना के अंदर आने के बाद में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखने को मिली कि जुलाना स्टेशन के सराउंडिंग में जितने भी पेड़ पौधे और पर्यावरण संबंधी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ वो निजी क्षेत्र के जो लोग हैं रेल प्रशासन की बजाय निजी क्षेत्र के लोगों के द्वारा उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ये काफ़ी सराहनीय कदम मुझे नज़र आया और मैं मतलब आश्वस्त करता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे मतलब सामाजिक व्यक्ति हैं, वो हर क्षेत्र में बरकरार रहें और पर्यावरण को बढ़ावा दें। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा प्रयास है और हम तो चाहते हैं कि पूरा समाज इस कार्य से जुड़ा रहे और जितने भी लोग हैं यहाँ हैं और जहाँ तक भी मैसेज आए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का इस बार आदेश भी है कि हर एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाना है, तो आज इन्होंने मेरे यहाँ से लगा दिया, हालांकि मैं पहले भी लगा चुका हूँ इस सीजन में, बट ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा कार्य सबको करना चाहिए। सर, एक जुलाना की सबसे पुरानी मांग है कि यहाँ पे फ्लाई ओवर होना चाहिए, लाइन पार के लोगों को काफी परेशानियों से। देखिए, फ्लाई ओवर का वर्क लास्ट ईयर हमने सैंक्शन करा लिया था, अभी उसका टेंडर कॉल किया हुआ है, टेंडर अगले 10 दिन में अवार्ड हो जाएगा, उसके 4 से 5 महीने मैक्सिमम लगेंगे एफओई बनने में।